गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में माझी खड्ड पर कंक्रीट का पुल डालकर ये विस्तार किया जाएगा। एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भारतीय विमानन प्राधिकरण, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र पुणे की टीम ने हरी झंडी दे दी है। माझी खड्ड पर कितने मोटे कंक्रीट का प्रयोग होगा, इस पर अब रिपोर्ट बनेगी। वर्तमान में गग्गल एयरपोर्ट का रनवे 1303 मीटर है। पहले चरण में रनवे को 1900 मीटर किया जाएगा और दूसरे चरण में रनवे की लंबाई 3000 मीटर से ज्यादा कर दी जाएगी। विस्तारीकरण के बाद यहां 320 सीट वाला जहाज उतर पाएगा, जिससे दिल्ली से कांगड़ा के हवाई सफर का किराया आधा होने की संभावना बन रही है। बीते नवंबर में CWPRS पुणे की टीम गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण की संभावनाएं तलाशने के लिए कांगड़ा आई थी। इस दौरान टीम ने गग्गल एयरपोर्ट सहित साथ लगते क्षेत्रों, खड्डों और नालों का भी निरीक्षण किया था। टीम ने इस दौरान पाया कि माझी खड्ड स्थित अन्य नालों का चैनलाइजेशन करके ही यहां पर एयरपोर्ट का विस्तार किया जा सकता है। ये टीम अब रिपोर्ट तैयार करेगी और तटीकरण के दौरान कितना मोटा कंक्रीट और सरिया आदि का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में तय करेगी। टीम के पास अभी तक लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग से मांगा गया डाटा उपलब्ध नहीं हुआ है। सारा डाटा मिल जाने के बाद अन्य प्रक्रियाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान का कहना है कि पुणे की टीम ने गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को हरी झंडी दे दी है। अब ये टीम जल्दी ही बाकी प्रोसेसेस को लेकर रिपोर्ट तैयार करने वाली है। वर्तमान में दिल्ली धर्मशाला के बीच गग्गल एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें लैंड और टेक ऑफ होती हैं। इसके अलावा शिमला के लिए भी यहाँ से उड़ानें होती हैं। गग्गल एयरपोर्ट का विस्तार होता है तो ये पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा देगा। गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से करीब 9 पंचायतों के हजारों लोग भी प्रभावित होंगे। ग्राम पंचायत गग्गल, नंदेहड़, सनौरा, सहौड़ा, इच्छी, ढुगियारी, बैदी, भेड़ी और रछियालू के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हाल ही में मंत्री बने प्रोफेसर चंद्र कुमार ने पोंग डैम के खाली पड़ी जमीन पर एयरपोर्ट बनाने की बात कहकर एक नया मुद्दा भी छेड़ दिया है। लेकिन फिलहाल अब गग्गल के इस एयरपोर्ट को एक्सटेंशन देने की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं।